नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानसी सिंह। अवैध शराब की बिक्री को लेकर धमतरी जिले के आदर्श ग्राम डोमा के ग्रामवासियों में काफी आक्रोश है। इन अवैध शराब बेचने वालों को ग्राम पंचायत के माध्यम से ऐसा कार्य नहीं करने की चेतावनी भी दी गई थी, जिस पर उन्होंने ये अवैध धंधा बंद करने की बात कही थी, लेकिन वो अपना अवैध शराब का कारोबार आज भी बेखौफ होकर संचालित कर रहे हैं। ग्रामवासियों के द्वारा निरंतर शिकायत के बाद भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं किए जाने से गुस्साए ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से ज्ञापन के माध्यम से शिकायत देकर इस पर जल्द रोक लगाने की मांग की है। मैं श्रीमती खुमन ध्रुव, हमारे गांव में ये परेशानी हो रहे है कि अवैध शराब का बिक्री किया जा रहा है और हम महिलाओं के लिए गंभीर समस्या बना हुआ है। वो आए दिन बाहर के लोग भी, आसपास के गांव के लोग भी आते हैं और शराब पीते हैं, कहीं भी चौक चौराहा पर बैठ करके पीते हैं, गाली गलौज करते हैं और उधर से हमको गुजरना भी मुश्किल होता है। छोटे छोटे बच्चे भी, हाँ, पुलिस में भी हमारे गांव के सियाल लोग सब जाके वहाँ शिकायत किए हैं और उसको नज़रअंदाज किया जा रहा है और जो दारू बेचने वाले हो उसको और सपोर्ट मिल रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि ना हमारे गांव में अवैध जो शराब जो बिक्री हो रहे है वो पूरा बंद होना चाहिए। महिलाओं को बहुत परेशानी हो रही है, आए दिन यहाँ तक अपने पति लोग पीते हैं तो पीते हैं, अपने बच्चे पी रहे हैं और छोटे बच्चे सुबह से लेकर के स्कूल जा रहे करके बोलते हैं, लेकिन वो लोग ना एक सीसी भी नहीं जाते हैं रोज। भाई, हम लोग अपने पति से परेशान है तो है, अपने बच्चे लोगों से भी परेशान है और महिलाओं के लिए बहुत गंभीर समस्या है ये दारू बंद होना। ग्राम पंचायत डोमा में मैं गोविंद साहू, जिला पंचायत सभापति धमतरी से हूँ। मेरे साथ आज ग्राम पंचायत डोमा के ग्रामवासी, यहाँ के महिलाएं, पुरुष सब लोग यहाँ आए हैं। यहाँ डोमा में विगत कई महीनों से अवैध शराब की बिक्री बहुत ज़्यादा हो रही है। गाँव के लोग उससे परेशान हैं। गाँव में बैठक लेकर के वह शराब की बिक्री बंद करने का निर्णय लिया। उनके बाद भी गांव के 4-5 लोग रोज धरे राम अवैध शराब बिक्री करते हैं, जिससे गांव का वातावरण खराब रहा है, गांव में अशांति का माहौल पैदा हो गया। इससे पूरे गांववासी आक्रोशित हैं। उन्होंने तत्काल गांव में अवैध शराब बिक्री बंद करने की मांग की है। उसके साथ मुझे भी आने का मौका मिला। मैं भी मांग करता हूँ कि वास्तव में डोमा में बहुत ज़्यादा अवैध शराब की बिक्री हो रही, उन्हें तत्काल बंद किया जाए। थाना में नहीं हो रहा, ज्ञापन दिया गया लेकिन फिर भी अभी तक थाने में भी जाके ज्ञापन दिया गया है, लेकिन थाने के द्वारा कोई ढंग से कार्यवाही नहीं की जा रही है, जिससे गांव में असद। मैं अमरदीप साहू, पूर्व जिला पंचायत सदस्य हूं और मेरे ही गांव से लगा हुआ ग्राम पंचायत डोमा, जिनको कुछ समय पहले आदर्श ग्राम घोषित किया गया था प्रशासन के समय, जब ODF था, ODF का आदर्श ग्राम है, लेकिन आज स्थिति उतना ही विपरीत हो चुका है। गांव में नामजद ढंग से 8 से 10 लोग खुलेआम अवैध की शराब बिक्री करते हैं, जिनको गांव स्तर पे उनको समझाइश देने के लिए बैठक अभी आहूत किया गया था। उन्होंने लिखित में अपने गलती को स्वीकार भी किया है कि हम आज से शराब नहीं बेचेंगे करके, और उसके बावजूद इस बात की जानकारी कार्रवाई करने के लिए संबंधित थाना भखारा को भी गांव के तरफ से सूचित किया गया था, लेकिन फिर भी थाना के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है और ऐसा लगता है कि उनके द्वारा और संरक्षण दिया जा रहा है। आज माहौल इतना ज़्यादा दूषित है कि बच्चे भी इस पे संलिप्त होते जा रहे हैं। वहाँ पे हायर सेकेंडरी स्कूल तक की शिक्षा है, स्कूल गांव से लगा हुआ है, स्कूल के आसपास पे जाके शराबी लोग वहाँ पे शराब सेवन करते हैं, बच्चे भी उनके बोतल और शीशी वहाँ से बिनने पहुँचते हैं और वो भी उनके प्रभाव में आते जा रहे हैं। गांव के जो चौक चौराहे हैं वहाँ पे गाली गलौज और गलत माहौल तो
पैदा होते जा रहा है, महिलाओं का घर से निकलना काफ़ी दुष्कर हो चुका है। और ये केवल एक गांव की बात नहीं है, डोमा में अवैध शराब हो रहे तो आसपास उससे जुड़ा हुआ कई गांव हैं जहां से ग्राहक लोग आके वहां पे शराब खरीद रहे हैं और इससे पूरे आसपास में भी ये जो माहौल है वो ख़राब होते जा रहे हैं। तो ये अपेक्षा लेके आए हैं कि प्रशासन इस पर सख्त कार्रवाई करे और निश्चित रूप से सख्त कार्रवाई करके अवैध शराब